हुआ है। कल लखीमपुर एक सड़क हादसे में एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है जिसमें दो बाइक सवार की मौत हो जाती है। पुलिस अधीक्षक जब उस पर बाइट देते हैं तो वो बताते हैं कि वो जो गाड़ी थी वो बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा की थी और जिससे दो लोगों की ऊपर गाड़ी कुचल दी जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। देखिए, अब जो बीजेपी विधायक की गाड़ी थी, मोटरसाइकिल से दो लोगों के कुचल के हत्या हुई है, अब ये तो जांच का विषय है। जैसा एसपी ने बताया कि वो विधायक की गाड़ी थी तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो संविधान कहता है, कानून कहता है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटना कैसे हो गई। एपिसेंटर लेकिन बना हुआ है लखीमपुर, पहले आशीष मिश्रा की बात आती है, अब फिर योगेश वर्मा भी, तो लगातार एक जो गाड़ी से कुचलने का। देखिए, संदेह तो पैदा होता है जब कोई चीज़ घटना से, अगर घटना पे घटना होती जाती है तो संदेह पैदा होता है कि कहीं इस तरह की घटना के पीछे उस घटना से संबंध तो नहीं है, तो एक संदेह शंका होती है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो, जांच के बाद जो दोषी है उसको सजा मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो संविधान के दायरे में, ये हमारा अपना